हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल प्रत्यात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट वाला चैप्टर शुरू किया था और वीडियो बहुत लंबा हुआ था तो मैंने उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा मुझे कि हम लोग प्रत्यात्मक विकास के सिद्धांत कर रहे थे। तो दो सिद्धांत हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए थे और आज हम करेंगे आगे के सिद्धांत से शुरू कर रही हूँ मैं। तो तीसरा सिद्धांत जो है वो व्यक्तित्व भिन्नता, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था विकास के सिद्धांत के दौरान कि बालकों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह से दत्यात्मक विकास में भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? जैसा कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है अनुवांशिकी हो सकता है और कुछ वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं। वातावरणीय कारकों में हो जाएगा कि बच्चे को कैसा वातावरण मिल रहा है, पोषण उसका स्तर उसका कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर बच्चे में सब चीजें पॉजिटिव है तो उसके अंदर होगा। और व्यक्तिगत, क्योंकि हर बालक का आनुवंशिकी भिन्न होती है केवल मोनोजायगोटिक ट्विन्स के अलावा, बाकी सब कोई बच्चा ऐसा नहीं होता। भाई बहनों में भी अनुवांशिक भिन्नता होती है तो वह अनुवांशिक भिन्नता की वजह से भाई बहनों के गत्यात्मक विकास में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसीलिए कई बार माँ कहती है मेरा ये वाला बालक तो 12 महीने में चल दिया था, इसने 10 महीने में पैर ले लिए हैं, कोई कहता है मेरे 14 महीने तक अभी तक चला नहीं, पिछला बालक तो चल गए। तो हर बालक भिन्न होता है अनुवांशिक रूप से, इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और ये भिन्नता हमारे गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट में भी दिखाई देती है। और वातावरण भी हर बालक के लिए भिन्न भिन्न होता है, कोई भी दो बालकों को एक समान वातावरण नहीं मिलता है। तो इस वजह से बालकों का गत्यात्मक विकास भी भिन्न होता है। जिस बालक को अच्छे से पोषण मिल रहा है, उसको प्रेरणा मिल रही है, उसको अभ्यास के अवसर मिल रहे हैं और लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है, उन बच्चों का गत्यात्मक विकास उन बच्चों की तुलना में जिनको ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं भिन्न होगा। तो इस वजह से सब बच्चों की तो स्व प्रेरणा भी भिन्न होती है, कोई बच्चा जल्दी से मोटिवेट हो जाता है, कोई बच्चा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस वजह से भी गत्यात्मक विकास में भिन्नता देखने को मिलेगी। हर बालक को अपना स्टाइल होता है डेवलप होने का, अपने स्टाइल में बच्चा बैठना सीखता है, अपने स्टाइल में वो घुटने चलना सीखता है, अपने ही स्टाइल में वो खड़े होना सीखता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। अगला सिद्धांत जो है हमारा वो है अधिगम एवं परिपक्वता, जो है इसकी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही गत्यात्मक विकास होता है। परिपक्वता क्या है? जो हमारी शरीर के अंदर जन्मजात क्षमताओं का विकास हो रहा है वो परिपक्वता कहलाती है। तो अगर बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है और हम उसको सिखाने की चेष्टा करेंगे, अगर उसका शरीर परिपक्व नहीं है उस क्रिया के लायक, तो आप कितनी भी चेष्टा कर लीजिए, कितना भी सीखने का अवसर प्रदान कीजिए, बालक नहीं सीख पाएगा। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ना तो सीखना। दूसरा, परिपक्व हो गया बालक लेकिन उसको अवसर नहीं मिले, उसको कोई ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं मिला है, ना उसको प्रेरणा मिली है, ना उसको प्रैक्टिस के अवसर मिले हैं, तो बच्चों वो बच्चा परिपक्व होने के बावजूद भी उसका गत्यात्मक विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इससे संदर्भ में मैं आपको एक किंवदंती सी है कि जो आपने जंगल बुक में भी देखा है, जंगल बुक में भी आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसके अंदर एक बच्चा जो है वो भेड़ियों के समूह के अंदर रह जाता है। तो वो बच्चा कहते हैं बहुत वर्षों पहले वो बच्चा किसी को मिला था, उन्होंने देखा वो बिल्कुल भेड़ियों की तरह ही चलता था, चार हाथ पैरों में। तो क्या परिपक्वता उसके अंदर नहीं हुई थी? परिपक्वता तो हो गई थी, लेकिन उसको माहौल वैसा ही मिला, उसने वही सीख लिया। तो परिपक्वता होगी और अवसर नहीं मिलेगा तब भी विकास नहीं हो पाएगा। और एक सामान्य सी चीज जो मैंने अपने जीवन में भी देखी है कि एक बार हमारे रिश्तेदार का बालक जो बाहर बसे हुए हैं यूएसए में, तो लगभग 3 साल का बालक था और उसने घर में प्रवेश किया, हमारे घर में मुख्य द्वार के सामने ही सीढ़ियां थी। तो आया बच्चा, जब तक पेरेंट्स ने अपना सामान अनलोड किया गाड़ी में से,
तब तक तो चढ़ गया। माँ इतनी हैरान कि वो कहाँ गया, हमने कहा ऊपर गया, उसको सीढ़ियां चढ़ना आता है। तो हमने कहा हम तो लगा कि हाँ समझ में, तो वो इतनी हैरान हुई, बोली कि हमारे वहां पर सीढ़ियां हैं ही नहीं, और उसे सीढ़ियां चढ़ना कैसे सीख लिया। तो मतलब उसे परिपक्वता थी, तो उसको अवसर मिलते ही उसने कर लिया। तो कुछ चीजें हमारे हमारी कुछ गत्यात्मक क्रियाएं ऐसी थी जो आयु के साथ साथ हम लोगों में स्व प्रेरणा से हम लोग उनको सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परिपक्वता और सीखना दोनों का सम्मिलित प्रभाव होता है गत्यात्मक विकास। फिर बच्चों अगला सिद्धांत जो है वह है गत्यात्मक विकास में लैंगिक भिन्नता भी काफी देखने को मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नता की तो मैंने आपसे बात की ही, लैंगिक भिन्नता देखी गई है कि आरंभिक अवस्था में कहते हैं जन्म से लेकर लगभग 3 वर्ष तक लड़के और लड़की के अंदर कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता गत्यात्मक विकास के संदर्भ में, लेकिन 3 वर्ष के बाद से धीरे धीरे उनके अंदर अंतर दिखाई देने लगता है। जो लड़के होते हैं वो मांसपेशियां उनकी उससे संबंधित ग्रॉस जो अपने मसल्स होते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करते हुए ज्यादा दिखते हैं, दौड़ना भागना कूदना फांदना इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो कंपैरेटिवली सूक्ष्म पेशियों वाले जो कौशल होती है वो अधिक करती हुई दिखती हैं। अब ये भी एक विवाद का विषय है कि ये लैंगिक भिन्नता गत्यात्मक विकास में क्यों देखने को मिल रही है, इसका कारण अनुवांशिकी है या हमारा वातावरण है। तो वैज्ञानिकों की दृष्टि से तो वैज्ञानिक आधार सब जब ढूंढते हैं तो कहते हैं किशोरावस्था से पहले इतनी भिन्नता बालकों में कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है उसमें आने का। किशोरावस्था जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था वयस अंधिकाल जो होता है हमारा प्यूबर्टी वाला जो पीरियड होता है वहां से बॉयज और गर्ल्स के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट में भी डिफरेंस दिखाई देने लगता है, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा आधार नहीं होता। लेकिन फिर भी देखा गया है कि बाल्यावस्था में भी लड़के और लड़कियों के गत्यात्मक विकास में या गत्यात्मक क्रियाओं में अंतर दिखाई देता है। तो उसका कारण शायद वातावरण है, क्योंकि हम लोगों की प्रवृत्ति है या हमारे समाज की इस तरह का ढांचा है कि हम लोग क्या करते हैं कि लड़कों को प्रेरित करते हैं हम दौड़ भाग वाले खेल करने के लिए। जैसे हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, लड़के की बर्थडे है, लड़के का कुछ अवसर है तो हम उसको देंगे गन्स मोटर कार वगैरह, और किसी लड़की की बर्थडे है तो हम क्या देते हैं उसको मोती पिरोने वाले खिलौने दे देंगे और उसको गुड़िया देंगे। तो मतलब हमारा कुछ ढांचा ऐसा है कि हम प्रेरित ही इस तरह से करते हैं कि लड़के लड़कियों में भिन्नता आ जाती है। तो कुछ कारण तो हो गए हमारे अनुवांशिकी कारण या कहना चाहिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहना चाहिए, जैविकीय कारक है, लेकिन जैविकीय कारकों के साथ में हमारे वातावरणीय कारक भी इस कार्य को प्रेरित करते हैं, इसकी वजह से गत्यात्मक विकास में लड़के और लड़कियों में काफी अंतर दिखाई देता है, और ये किशोरावस्था तक आते आते और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाता है बढ़ जाता है। इसकी वजह से लड़के और लड़कियों का पूरा विकास बिल्कुल भिन्न भिन्न सा, लड़के जो होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जाते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां इस मिथक को तोड़ रही हैं, जिनको अवसर मिल रहा है वो लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़कर दिखा रही हैं, उनको अगर उचित पोषण दिया जाए उचित प्रेरणा दी जाए तो बराबर भी कर सकती है। लेकिन सामान्यतः वो लड़कों का जो होता है शारीरिक बल जो होता है वो लड़कियों से अधिक होता है, तो वो गत्यात्मक क्रियाएं जिनमें शारीरिक बल की आवश्यकता होती है वो लड़के करते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं बताऊंगी आपको विभिन्न अवस्थाओं में गत्यात्मक विकास अवस्थाएं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अवस्थाएं जो है हमारे मनोवैज्ञानिकों ने स्पेशलिस्ट लोगों ने डिवाइड कर रखी है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशव अवस्था, और जन्म से लेकिन 2 वर्ष की अवस्था शैशव अवस्था होती है, लेकिन गत्यात्मक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो शैशव अवस्था में भी आरंभिक काल में और बाद की अवस्था में कुछ अंतर होता है। इसलिए इस विकास के संदर्भ में हमारे गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको भी 2 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम शैशव अवस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको गर्भकालीन अवस्था के लिए बताऊंगी। गर्भकालीन अवस्था माँ के गर्भ के अंदर बहुत सीमित जगह होती है गर्भ में,
लेकिन सीमित जगह होने के बावजूद भी बालक का गत्यात्मक विकास वहीं आरंभ हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आरंभ में बच्चा क्या होता है, गति जो करना आरंभ होती है माँ के गर्भाशय के अंदर एक तरल भरा हुआ होता है और उस तरल में बच्चा घूमता है तो पूरा शरीर उसका एक साथ घूमता है। मुश्किल से वो 4-5 महीने का होता है तो अपने हाथ पैरों की अलग अलग गतिविधियां करना शुरू कर देता है। तो वहां से गत्यात्मक विकास मतलब गति करने की आरंभ हो गया है उसका। अब ये गत्यात्मक आवास विकास जो है बच्चों गर्भकाल के अंदर जब देखा गया है तो गर्भकाल के अंदर देखा गया कि कुछ बच्चे तो बहुत सक्रिय होते हैं और कुछ बच्चे बहुत सक्रिय नहीं होते। फिर उनका कारण वही है कि उनको इस तरह से उनकी अनुवांशिकी कारक यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा माँ खुद कितनी सक्रिय है, कितनी गतिशील रहती है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। और तो जो बच्चे ज्यादा गतिशील होते हैं देखा है उनका भार भी कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि उनके गतिशील होने से उनकी भी ऊर्जा का व्यय हो जाता है, इसलिए उनका जन्म भार कंपैरेटिवली कम होता है। तो और ये भी देखा गया है अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जो बच्चे गर्भकाल में अधिक सक्रिय रहते हैं वो बच्चे जन्म के बाद भी ज्यादा एक्टिविटीज करते हुए दिखते हैं, गत्यात्मक विकास उनका तीव्र गति से होता है और वो ज्यादा करते हैं। फिर शैशवावस्था जैसा मैं भी आपको बता रही थी, शैशवावस्था में भी दो भागों में बांटा है। जन्म के बाद की आरंभिक अवस्था नियोनेट अवस्था कहलाती है, ये जन्म से लेकर लगभग 1 माह तक की अवस्था होती है। तो नियोनेट अवस्था जो होती है इसे हिंदी में हम कहते हैं नवजात शिशु का काल, उस समय की उनकी गतिविधियां और बाकी शैशवावस्था की जो है उसमें उनका और विकास होता है, तो इसको हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो जो हमारी गर्भ नवजात शिशु की अवस्था होती है इसके अंदर बालक दो तरह की क्रियाएं करते दिखाई देते हैं। एक तो होती है सामान्य क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं जैसे बच्चे अपने शरीर की गति करते हैं, हाथ पैरों को हिलाते हैं। इनको सामान्य क्रिया क्यों बोला है, क्योंकि ये बालक में जन्मजात तो होती ही है और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है और उनका कोई नियंत्रण भी नहीं होता है, वो केवल एक सामान्य ढंग से अपने हाथ पैरों को हिलाना, चेहरे के और आंखों को बंद करना, खोलना, कुछ चेहरे के अलग से भाव बनाना, इन सब के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। और 1 महीने के अंदर अंदर ही ये परिवर्तन आ जाता है कि कुछ क्रियाओं के ऊपर उसका नियंत्रण दिखाई देने लगता है। बच्चा अपनी इच्छा से अपनी आंखें खोलता है, बंद करता है। अच्छा, सामान्य इसको इसलिए भी कहते हैं बेटा सामान्य क्रिया कि बच्चे की जैसे अगर शरीर के एक भाग में कुछ क्रिया होती है तो दूसरे भाग में भी स्वतः हो जाती है। जैसे आप बच्चे की एक हाथ की मुट्ठी अगर उसकी बंद है, आप उसको खोलिए तो दूसरे हाथ की मुट्ठी भी खुल जाती है। इसी तरह से उसके हाथ खुले हुए हैं, आपने उसके हाथ में कोई भी चीज रख दिया तो उसकी तुरंत मुट्ठी बंद हो जाती है। इसको कहते हैं हम बच्चा ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, वो उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चे की तो आप एक हाथ में रखेंगे, बच्चे की दूसरे हाथ की मुट्ठी भी बंद हो जाती है। तो ये क्या है, सामान्य क्रिया है। आप उसके एक पैर में गुदगुदी करिए या किसी चीज से टकटकाइए, एक पैर में अगर आप करते हैं तो उसका क्या होता है, जो पैर के पंजे होते हैं उनको यूं करके वो फैला लेते हैं और घुटने को मोड़ लेते हैं, है ना। घुटने को मोड़ने की ये एक पैर में करेंगे लेकिन ये पैर, ये क्रिया दूसरे पैर में स्वतः हो जाएगी, उसके पंजे दूसरे पैर के भी फैल जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सामान्य क्रियाएं। विशिष्ट क्रियाएं जो होती है वो होती है कि पर्टिकुलरली किसी एक अंग के अंदर ज्यादा मतलब किसी एक शरीर के एक अंग की अलग से कोई एक्टिविटी होना, उसको हम कहते हैं विशिष्ट क्रियाएं। बच्चों मुझे अपना व्याख्यान यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो इसको मैं आपको अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी।